हेलो नमस्कार दोस्तों, लेट्स पॉजिटिव चैनल में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों आज मैं डॉक्टर हरि सिंह गौर जी की बात करने वाला हूँ। उनकी एक आत्मकथा है सेवन लाइव्स, इसमें उन्होंने बताया है अपने जीवन को कि कैसे उन्होंने जीवन में आगे बढ़ा, कैसे शिक्षा प्राप्त की, कैसे दूसरे देशों में घूमा, कैसे वकालत में प्रवेश किया, कैसे नई नई बुक्स लिखी, कैसे नए नए प्रयोग किए, कैसे कैसे नई नई चीज़ें पेटेंट भी कराई। तो चलिए आज हम उनके जीवन को काफ़ी अच्छे से जानेंगे। तो दोस्तों जो डॉक्टर सिंह और विश्वविद्यालय पढ़ते होंगे, जो कि एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, तो वे बच्चे तो इन व्यक्ति से काफ़ी अच्छे से परिचित होंगे। लेकिन जो बच्चे इस विश्वविद्यालय में नहीं पढ़ते हैं, उनके लिए ये गुमनाम हस्ती हैं, जिसकी आज मैं चर्चा करूंगा और इनके जीवन की उपलब्धियों को बताऊंगा और बताऊंगा कि इनके जीवन से हम क्या क्या सीख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि डॉक्टर हरि सिंह गौर जी ने अपनी संपत्ति में से 2 करोड़ रुपए दान में दिए थे, जिससे 1946 में, मतलब जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था, जब उन्होंने इस विश्वविद्यालय की नींव रखी थी, जो अब काफ़ी बड़ा विश्वविद्यालय है और केंद्रीय विश्वविद्यालय भी है। दोस्तों इनकी जीवनी में से मैंने कुछ फैक्ट्स निकाले हैं, जो छोटे मोटे हैं, वो आपको मैं इस कागज़ में से देखकर बता दूंगा। और इनके जीवन के जो काफ़ी अच्छे किस्से आएंगे, काफ़ी रोचक बातें आएंगी कि कैसे कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में जाकर उन्होंने पढ़ाई की, आके वकालत शुरू की और काफ़ी फेमस बुक्स भी लिखी। उन्होंने बहुत सी पोएम भी लिखी हैं जो अभी इस विश्वविद्यालय में पढ़ाई जाती हैं। कैसे उन्होंने अपनी बहन को याद करके एक से एक इमोशनल पोएम भी लिखी हैं और बहुत काम किया है। सबसे पहले तो दोस्तों डॉक्टर हरि सिंह गौर जी का जन्म यहाँ सनीचिरी सागर में हुआ था। इनका जन्म 26 नवंबर 1870 में 1870 को हुआ था। इनके दादाजी का नाम था ठाकुर मान सिंह और इनके पिताजी का नाम था ठाकुर तख्त सिंह। और जो डॉक्टर हरि सिंह गौर जी थे, इनके 2 भाई और थे और इनकी 2 बहनें भी थीं। इनके जो सबसे बड़े भाई थे, उनका नाम था आधार सिंह। यदि इन आधार सिंह की बात करें तो ये काफ़ी होशियार व्यक्ति थे और उस समय के सरकारी पद पर सबसे बड़े व्यक्ति थे, मतलब सबसे बड़े पद पर वो आसीन भी हुए थे। मैं यदि इनके भाई की और बात करूं तो पहले वो जिला कार्यालय में लिपिक थे, इसके बाद वो तहसीलदार भी बने, इसके बाद वो EAC, इसको अच्छे से सुनिए, EAC एक्स्ट्रा असिस्टेंट ऑफ कमिश्नर, मतलब जो आज के समय का डिप्टी कलेक्टर होता है, उस पद पर उनके भाई थे। और दोस्तों इससे बड़ा पद उस समय भारतीयों को नहीं दिया जाता था, इससे बड़ा पद केवल उस व्यक्ति को मिलता था जो यूरोप से जुड़ा हुआ होता था या अंग्रेज होता था। इनके भाई की और बात करें आधार सिंह की, तो दोस्तों ये पढ़ने में काफ़ी ज़्यादा होशियार थे। जब ये 50 साल के थे, वे तब कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय जाकर उन्होंने लॉ में पढ़ाई की थी और उस समय भी वो सरकारी पद पर थे। और इनके पिताजी की और बात करें तख्त सिंह की, तो ये चीफ कांस्टेबल के पद पर थे, लेकिन उन्होंने रिज़ाइन कर दिया था क्योंकि अब इनके जो बड़े लड़के हैं वो तो काफ़ी बड़ी नौकरी कर रहे हैं, तो वो उन्हें पेंशन देते थे और वे नौकरी नहीं करते थे। और लेकिन जो इनकी माताजी थी लाडली बाई, वो भी घर के छोटे मोटे काम करती रहती थी और थोड़े बहुत पैसे वो भी कमाती थी। और उनकी जो 2 बहनें थीं, लीलावती और मोहन बाई, उनका भी यहीं पास ही में विवाह हुआ था, एक का चील पहाड़ी में और दूसरी का विवाह यहीं मोहारी गांव में, जो कोई ललितपुर मार्ग पर है, वहां हुआ था। और इनके जो बीच वाले भाई थे, मतलब गणपत सिंह थे, मंझले भाई थे, उनकी मृत्यु भी काफ़ी जल्दी हो गई थी। चलिए ये तो हो गई घर परिवार की बातें कि पिताजी क्या थे, बड़े भाई क्या थे, उनकी 2 बहनें क्या थीं, माता जो सब। लेकिन अब हम डॉक्टर हरि सिंह गौर जी के जीवन पर बात करने वाले हैं। तो उनकी प्रारंभिक शिक्षा यहीं कटरा में हुई थी। वो छोटे से ही काफ़ी होशियार थे, उन्हें प्रकृति से भी काफ़ी प्रेम था। वो छोटा सा एक बगीचा लगाया कर, जब वो छोटे थे तभी से उन्होंने एक बगीचा लगाया था, तो उनकी माताजी तो काफ़ी परेशान रहती थी क्योंकि पानी तो उन्हें यहाँ तालाब से लाना पड़ता था, जो यहाँ से थोड़ा दूर था। और डॉक्टर हरि सिंह गौर जी छोटे से ही होनहार थे, उन्हें कई बार प्रमोशन भी मिला था। प्रमोशन कैसा, मतलब यदि कोई बच्चा सेकंड क्लास में है,
और यदि वो काफी होशियार होगा तो उसे थर्ड क्लास नहीं पढ़नी पड़ेगी, उसे डायरेक्ट फोर्थ क्लास में भेज दिया जाएगा। ऐसा ही उनके साथ भी हुआ था। जब उनकी यहाँ शिक्षा हो गई उन्हें छोटे से ही स्कॉलरशिप भी मिलती थी, ये बात भी आप क्लियर रखिए। चलिए दोस्तों, अब मैं इनकी लाइफ से जुड़ा एक छोटा सा किस्सा भी बताता हूँ। जब वो टेंथ क्लास में थे तो उनका एक दोस्त और उनकी माँ साथ में रहते थे, तो वे हरिसिंह और जी को खाने पर बुलाते हैं। तो हरिसिंह और जी जाते हैं, जब वो थोड़े छोटे ही थे मतलब टेंथ क्लास में थे, तो क्या होता है कि जब वो खाना खा लेते हैं तो उनके दोस्त की माता जी कहती हैं कि बेटा सोने की अंगूठी उतार के सो जाना आराम से, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो वो सो जाते हैं और सुबह देखते हैं कि उनकी अंगूठी गायब हो गई है। तो अपने वो बड़े भाई को बताते हैं आधार सिंह जी को कि मेरी अंगूठी गायब हो गई है। तो उनकी तो काफ़ी पहचान थी क्योंकि वो सरकारी पद पर तो थे और काफ़ी विद्वान आदमी भी थे। तो वो डायरेक्ट SP से बात करते हैं कि आप थोड़ा देखिए मेरे भाई की अंगूठी कहाँ गुम गई है। तो वो उसकी जाँच पड़ताल होती है, जो दोस्त की माँ थी उन पर मुकदमा चलाया जाता है। और सबसे पहले डॉक्टर सिंह और जी ये भी बताते हैं कि उन्हें सबसे पहले मतलब 13 साल की उम्र में कोर्ट में जाना पड़ता है, वहाँ वो खड़े होकर गवाही देते हैं। जो दोस्त की माँ थी उन्हें 4 माह का कारावास भी हो जाता है। दोस्तों इसका एक दुष्प्रभाव पड़ता है जो वे अपनी आत्मकथाएं बताते हैं। इससे उन्हें इतना तनाव हुआ, टेंशन हुई, इससे भी 10th क्लास में फेल हो जाते हैं और उन्हें जो स्कॉलरशिप मिल रही थी वो भी बंद हो जाती है। फिर भी पढ़ाई बंद करने का फैसला लेते हैं, लेकिन उनके भाई समझाते हैं कि नहीं अभी और आगे पढ़ाई करो, यहाँ से अच्छी नौकरी नहीं मिलेगी। तो भी फिर से 10th क्लास की परीक्षा देते हैं और इस बार पूरे प्रांत में फर्स्ट आते हैं, जिससे उन्हें स्कॉलरशिप मिलती है और कुछ पैसे नगद भी मिलते हैं। इसके बाद दोस्तों मैं उनके कॉलेज लाइफ की बात करूं तो यहाँ सागर से पढ़ाई करने के बाद वे जबलपुर जाते हैं, क्योंकि आगे की पढ़ाई जो कॉलेज होती थी वो जबलपुर में ही थी। तो वहाँ जाकर वे पढ़ाई करते हैं। उनके सब्जेक्ट पहला सब्जेक्ट था फिलोसफी और दूसरा सब्जेक्ट था इंग्लिश लिटरेचर। दोस्तों भी बताते हैं कि उस कॉलेज में काफी अच्छे प्रोफेसर आते थे, वे ब्रेमलैन करके एक प्रोफेसर का नाम भी बताते हैं जो उस समय काफी विद्वान थे। वे बताते हैं कि ब्रेमलैन ने उन्हें काफी अच्छा पढ़ाया और जब भी कैम्ब्रिज जाते हैं तो वहाँ के जो प्रोफेसर रहते हैं वो डॉक्टर सिंह गौर जी के ज्ञान की काफ़ी तारीफ करते हैं और कहते हैं कि तुम्हें काफ़ी अच्छे प्रोफेसर ने पढ़ाया है, तुम्हारे पास पहले से ही काफ़ी ज़्यादा ज्ञान है, जो हम सब पढ़ाने वाले हैं वो तुम्हारे पास पहले से ही मौजूद है। चलिए दोस्तों, अभी तो वो कॉलेज में अपनी पढ़ाई कर रहे थे और वो पढ़ाई पूरी हो जाती है। फिर क्या होता है, 1889 में उनका एक भतीजा था, उसका नाम था मुरली मनोहर सिंह, मतलब जो बड़ा भाई था उनका आधार सिंह, उनका लड़का। तो वे आधार सिंह जी हरिसिंह और से कहते हैं एक काम करो, मेरा बेटा और तुम दोनों अब कैम्ब्रिज चले जाओ, अपनी पढ़ाई वहीं से पूरी करो और मेरे भतीजे का अच्छे से ख्याल रखना और दोनों मिल बांट के मतलब पढ़ाई कर लें। तो दोनों क्या होता है कैम्ब्रिज चले जाते हैं। जो हरिसिंह और जी का भतीजा था वो थोड़ा पढ़ाई में ऐसा गधा टाइप सा था। तो आगे क्या होता है, अब वो कैम्ब्रिज जाते हैं और उन्हें दोस्तों काफ़ी अच्छे अच्छे प्रोफेसर मिलते हैं। आपने इकोनॉमिक्स में एक कीन्स का नाम सुना होगा, थ्योरी ऑफ कीन्स करके, तो उन्होंने उन्हें साक्षात पढ़ाया है और एक से एक बड़े प्रोफेसर जिनकी हम लोग थ्योरीज पढ़ते हैं उन्होंने उन्हें साक्षात पढ़ाया है और उन्होंने काफ़ी तारीफ भी की थी कि बेटा तुम काफ़ी अच्छी जगह से पढ़ के आए हो, तुम्हारे प्रोफेसर ने तुम्हें काफ़ी अच्छा पढ़ाया है। तो अब क्या होता है कि डॉक्टर हरिसिंह गौर जी और उनका भतीजा दोनों कैम्ब्रिज जा चुके हैं, वहाँ अच्छी पढ़ाई चलती है। लेकिन डॉक्टर हरिसिंह गौर जी का शुरू से ही एक लक्ष्य रहा था कि उन्हें जब भी मौका मिलता था वो बोलते थे, वो भाषण देते थे, हर बार कोई ना कोई कमेटी में शामिल होते थे और वे अध्यक्ष बनना ही चाहते थे, जिससे एक रुतबा कायम हो सके। मतलब आप समझते ना, मतलब एक लीडरशिप वाली क्वालिटी उनमें शुरू से उनके अंदर थी। तो वो कैम्ब्रिज में भी जाकर उन्होंने एक कमेटी का गठन किया था, मतलब जो इंडियंस रहते थे उनके लिए एक कमेटी बनाई थी कि उनकी समस्याएं सुनी जाएं, और वो हर बार उस डिबेट में भी हिस्सा लेते थे, जब भी कोई भी डिबेट होती थी हर डिबेट में हिस्सा लेते थे। तो 1889 में वो कैम्ब्रिज जाते हैं। जब वो कैम्ब्रिज में थे तो उन्होंने काफ़ी रचनाएँ भी की, शुरू से वो एक लेखक के रूप में भी प्रसिद्ध हुए हैं। उन्होंने बहन की याद में भी एक बुक लिखी थी,
एक पोएम लिखी थी और काफी उपन्यास लिखे थे। दोस्तों जब वहां पर पढ़ाई चल रही थी तो डॉक्टर हरिसिंह गौर जी तो मेहनत करके पास हो गए, उन्हें थोड़ी समस्याएं भी होती हैं क्योंकि वो यहाँ से पढ़ के गए थे तो वहाँ उन्हें कुछ अलग से सब्जेक्ट्स पढ़ने थे जिनका उन्होंने नाम भी नहीं सुना था और काफ़ी कम समय भी था, लेकिन उन्होंने मेहनत करके वो सफल हो जाते हैं। लेकिन उनका जो भतीजा रहता है जिसको आधार सिंह जी ने अपने साथ पहुँचाया था, वो वहाँ असफल हो जाता है। और जब ये बात आधार सिंह को पता चलती है कि यार मेरा बेटा फेल हो गया और हरि सिंह गौर पास हो गया, मतलब ऐसा है कि हरि सिंह गौर ने उसके साथ कोऑपरेट नहीं किया है, तो वे हरि सिंह गौर जी को अब पैसे भी नहीं देते हैं। जब वहाँ से वापस आने की बारी होती है 1892 में वापस आते हैं तो डॉक्टर हरि सिंह गौर जी के पास आने के लिए पैसे नहीं रहते हैं, तो वे अपना सामान बेचते हैं, अपनी जो उनके पास घड़ी रहती है, अंगूठी, जो भी सामान रहता है वो सब गिरवी रख देते हैं कि वहाँ से वापस आ सकें। और वहाँ से वो वापस आते हैं। जब उनकी पढ़ाई हो चुकी थी तो अब वो वकालत में जॉब करना चाहते थे, उसके लिए पूरे 100 पाउंड रुपए लग रहे थे, लेकिन उनके पास वे पैसे नहीं थे और उनके जो भाई थे आधार सिंह, वे उनको सीधा मना कर चुके थे, अब मैं पैसे देने वाला नहीं हूँ। इधर से आधार सिंह और हरि सिंह गौर जी में थोड़ी अनबन भी शुरू हो जाती है, यहाँ से वे पैसे नहीं जुटा पाते और इसके बाद उन्हें भी थोड़ा उनकी मतलब जान पहचान हो जाती है किसी व्यक्ति से। अब क्योंकि वो काफ़ी पढ़ लिख चुके थे, विद्वान बन चुके थे, तो उनकी नियुक्ति भी डायरेक्ट EAC मतलब एक्स्ट्रा असिस्टेंट ऑफ कमिश्नर के पद पर होती है। जैसा मैं बता चुका हूँ, ये डिप्टी कलेक्टर के बराबरी का पद होता है। यहाँ उनकी नियुक्ति हो जाती है और एक मतलब प्रतिष्ठा मिल जाती है, उन्हें खुद विश्वास नहीं होता कि यार मैं इतनी बड़ी पोस्ट पर पहुँच चुका हूँ। लेकिन 1893 मतलब थोड़े ही समय नौकरी करते हैं और वे वकालत में आ जाते हैं और उन्होंने काफ़ी बड़े बड़े केस हैंडल किए हैं। जब आप इस आत्मकथा को पढ़ेंगे तो उनके केस के बारे में भी आपको काफ़ी मज़ा आएगा, आपको लगेगा जैसे क्राइम पेट्रोल चल रहा हो या दृश्यम टाइप की पिक्चर चल रही हो। बड़े से बड़ा केस लेते थे और जो जज होते थे वो भी काफ़ी अच्छे से सुनते थे, क्योंकि संपत्ति हस्तांतरण मतलब जो प्रॉपर्टी राइट्स होते थे, प्रॉपर्टी किसको ट्रांसफ़र की जाएगी, इस पर इन्होंने सबसे पहले लेख लिखा था और उन्होंने एक इंडियन पीनल लॉ करके कोट करके एक बुक थी वो भी लिखी थी जो पूरे वर्ल्ड में फेमस हुई थी। ऐसी बुक अभी तक किसी ने भी नहीं लिखी थी। ये काफ़ी मेहनत करते थे, मतलब जो लिटरेचर में कमी होती थी वे इनमें मेहनत करके एक ऐसा साहित्य बना देते थे कि इसके बाद आगे लिखने की किसी की हिम्मत नहीं होती थी, किसी में हिम्मत नहीं होती थी कि इतनी मेहनत करके इतना डाटा फिर से कलेक्ट करके इससे अच्छी बुक बना दे। तो दोस्तों अब ये अपनी वकालत शुरू करते हैं और ये बताते हैं, अपनी आत्मकथा में कहते हैं कि कोई भी केस लेने से पहले ये पूरी तैयारी करते थे, मतलब 10-10 दिन तक केस स्टडी करते थे और जब वकालत शुरू भी हो जाती थी तो 10-10 20-20 दिन इनको बयानबाजी करनी पड़ती थी, केस समझना पड़ता था, तब जाके इन्हें पैसे मिलते थे। और ये जहाँ जहाँ भी गए वकालत की, नागपुर गए, रायपुर गए, उन्होंने वकालत की तो काफ़ी ज़्यादा फेमस हुए और वे जो भी केस लेते थे उसमें पूरी जान लगा देते थे, इतनी मेहनत करते थे, इतनी पढ़ाई करके आते थे कि जो सामने वाली पार्टी होती थी या जो जज होते थे हमेशा हरि सिंह गौर जी के पक्ष में ही फैसला देते थे। तो इन्हें उस समय भी काफ़ी पैसा मिलने लगा था और काफ़ी विद्वान भी हो चुके थे। इसके बाद वो बार काउंसिल में भी शामिल हो जाते हैं। दोस्तों ये आप यूट्यूब पर सर्च करिए क्या होता है बार काउंसिल करके, और आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसकी क्या खासियत होती है। तो उस समय भी जब ये शामिल होते हैं तो वह काफ़ी अव्यवस्था फैली रहती है, उनके जो अधिकारी रहते हैं वो अच्छे से काम नहीं करते, तो वो पत्र लिखकर सीधा और बड़े ऑफिसर को लिखकर उनकी शिकायत भी करती हैं जिससे उनका ट्रांसफ़र हो जाता है। वो बताते भी हैं कि उन्होंने हमेशा 8-8 घंटे पढ़ाई की है, मतलब यदि आज के समय में कोई इतनी पढ़ाई करे तो बड़े से बड़ा एग्ज़ाम क्लियर हो सकता है, और वे इतनी पढ़ाई शुरू से ही करते थे, इसीलिए उन्होंने हर फील्ड में इतनी मेहनत की है, चाहे वो वकालत की हो, चाहे वो सरकारी नौकरी की हो। उन्होंने चुनाव भी लड़ा था, लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर भी बने थे, वहाँ भी उन्होंने काफ़ी मेहनत की, कांग्रेस पार्टी में भी गए थे, लेकिन वहाँ के लोगों से उनकी नहीं बनी, इसलिए उनको वहाँ से रिज़ाइन भी करना पड़ा।
उन्होंने एक सेवरेज मतलब जिसे दाढ़ी बनाते हैं और एक खुलने वाला चाकू, इन दो चीजों का भी आविष्कार किया था जिसका उन्होंने पेटेंट भी कराया था। मतलब वो छोटे से ही एक होनहार बच्चे रहे थे, जब वो 10 साल के थे तभी उन्होंने एक पहली कविता लिखी थी और छोटे से ही रुचि होने के कारण बड़े होते होते भी बड़ी बड़ी बुक्स लिखते हैं, लॉ के ऊपर बुक्स लिखते हैं, ऐसे ऐसे कानून की व्याख्या करते हैं कि सीधे जज भी उनकी बुक्स पढ़ते हैं, वही प्रेफर करते हैं। जब वो कोर्ट जाते थे तो जज उन्हें देखकर पहले ही थोड़ा डर सा जाता था कि अरे यही वो व्यक्ति है जिसने वो बुक लिखी है जो पूरे वर्ल्ड में चलती है, वह बुक इसके द्वारा लिखी गई है। तो 1929 में एक बुक स्पिरिट ऑफ बुद्धिज्म भी इन्होंने लिखी थी जिसकी प्रशंसा सीधी गांधी जी ने भी की थी कि काफी अच्छी बुक्स है इस फील्ड में। इसके बाद दोस्तों मैं आपको इस बुक के अंतिम पड़ाव पर ले चलता हूँ। उन्होंने जापान और अमेरिका की भी यात्रा की है और वहाँ के कल्चर को बताया है, वहाँ के व्यक्तियों को बताया है। वे बताते हैं कि कैसे वहाँ विश्वास काफ़ी अधिक मात्रा में देखने को मिलता है। जैसे कोई स्टोर रूम है जहाँ पर आप फूड मिलते हैं, कुछ भी सामान मिलता है तो आप जाकर खरीदिए और बाजू में बॉक्स रखा रहेगा, आप जितने पैसे की उतने उसमें डाल दीजिए। वहाँ कोई व्यक्ति नहीं रहता कि देखने की आप कितने पैसे कम डाल रहे हैं या आप चोरी कर रहे हैं, इसके लिए कोई व्यक्ति भी मौजूद नहीं रहता, इतना ज़्यादा विश्वास है। और एक बार उनका पर्स एक होटल में छूट जाता है और जब वो थोड़े आगे जाते हैं उन्हें ख्याल आता है मेरा पर्स तो है ही नहीं, तो वे अपना जो सचिव मतलब सेक्रेटरी रहता है उसे वहाँ पहुँचाते हैं। वहाँ जाके पता चलता है कि वो पर्स काफ़ी अच्छे से तिजोरी में रखा गया था, उसमें से बिल्कुल पैसे गायब नहीं थे। मतलब दूसरे देशों में उन्होंने बताया कि दूसरे देश में लोगों में कितना विश्वास है, वहाँ चोरी कपट मतलब कोई भी चीज़ नहीं है। वे यहाँ भारतीयों को उनसे कुछ सीखने को कहते हैं कि कुछ सीखो यार, देखो वहाँ कैसे लोग रह रहे हैं, चोरी नहीं करते, और यहाँ तो एक दिन ताला ना लगाओ तो लोगों को टेंशन हो जाती है कि यार आज तो ताला लगाना भूल गए, घर में ताला ही नहीं लगाया। और वहाँ तो जो पर्स गिर जाता है उसमें से एक रुपये चोरी नहीं होता, यदि अपने यहाँ गाड़ी बाहर रखी रह जाए, साइकिल बाहर रखी रह जाए तो अगले दिन शायद ही वहाँ आपको मिलेगी, लेकिन ऐसा वहाँ बिल्कुल नहीं था। लास्ट में यही कहूँगा कि ये बुक काफ़ी अच्छी है, इसको आप पढ़ेंगे तो थोड़ी कठिनाई होगी क्योंकि वो अपने जीवन की यात्रा शुरू करते हैं तो बीच में बचपन ले जाएंगे, कहीं कैम्ब्रिज ले जाएंगे, कहीं परिवार की बातें करेंगे, तो आपको समझने में थोड़ा टाइम लग सकता है। लेकिन मैं इसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप इसको खरीद सकते हैं। और ये मेरा विश्वास है कि जब आप इस बुक को खरीदेंगे तो आपको पता चलेगा कि कितनी मेहनत करके उन्होंने इस विश्वविद्यालय को बनाया है, डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय, जो कि अब एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है। और अब आपको मैं दो चीज़ और बताता हूँ, एक उनकी पत्नी से रिलेटेड और एक उनके बच्चे से रिलेटेड। वे बताते हैं कि 49 साल तक दोनों साथ में रहे लेकिन वे कभी खुशी नहीं रहे, मतलब जो उनकी पत्नी थी उनसे उनकी कभी नहीं बनी। और इनका जो बेटा भी था वो भी थोड़ा गलत संगत में पड़ जाता है और वो भी काफ़ी कुछ अच्छा नहीं कर पाता, लेकिन उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है कि कैसे उन्होंने अपनी संपत्ति पूरे एक प्रदेश पूरे देश को दान कर दी जिससे एक विश्वविद्यालय बन सके जहां अब काफ़ी बच्चे आते हैं, पढ़ते हैं और अपना नाम कमाते हैं। मुकेश तिवारी, आशुतोष राणा और रजनीश ओशो, जिन्हें हम एक भगवान के नाम से भी जानते हैं, अमेरिका में इन्हें भगवान का दर्जा दिया गया था। और काफ़ी महान महान हस्तियां यहां से पढ़कर निकल चुकी हैं, काफ़ी पढ़ रही हैं और काफ़ी लोग आगे जाकर अपना नाम कमाते हैं। इस विश्वविद्यालय ने कई लोगों के जीवन को बदला है, शिक्षा का प्रसार किया है, लोगों में एक नई चेतना का विकास किया है कि कैसे अंधविश्वास को छोड़कर एक हमें विकसित रास्ते पर जाना है, कैसे अपना विकास करना है। यहाँ एक काफ़ी बड़ा पुस्तकालय भी बनवाया गया है जहाँ लोग जाकर पढ़ सकें और बुक्स पढ़ें। यहाँ करीबन 5 लाख बुक्स हैं जिन्हें हम पढ़कर मतलब जिन्हें देखकर ही हमें अनुमान हो जाता है कि इस व्यक्ति को बुक से कितना लगाव रहा होगा। उन्होंने काफ़ी रचनाएं की हैं इस विश्वविद्यालय में, उनसे पढ़ाया जाता है, बच्चे उन्हें पढ़ते हैं, काफ़ी कुछ सीखते भी हैं। मैंने अपने YouTube चैनल पर उनकी कुछ पोएम्स भी डाली हैं,
जिन्हें आप भी देख सकते हैं कि उनकी जो थिंकिंग थी वो काफी खतरनाक सी थी, काफी विकसित थी। लेकिन एक बात और है कि उनकी लोगों से कभी ज्यादा नहीं बने, क्योंकि वो एक अलग ही तरीके से सोचते थे, क्योंकि वो काफी एक मॉडर्न सोच के आदमी थे। जहाँ कुछ बुराइयाँ दिखती थी, सामाजिक बुराइयाँ होती थी, भ्रष्टाचार होता था, तो वो साफ साफ उसका विरोध कर देते थे। यदि वकालत भी करते थे तो यदि कोई ऐसा केस आ गया जिसमें वो मतलब गलत केस आ गया कि मुझे जिता दो, मैं गलत हूँ तब भी जिता दो, तो वो सीधा मना कर देते थे कि मैं ऐसा केस नहीं लूँगा। और एक से एक उनके किस्से हमें बुक में देखने को मिलते हैं। जब आप इन्हें पढ़ेंगे, आप इस बुक को पढ़ेंगे, तो इसमें आपको वकालत के केस भी मिलेंगे कि कैसे उन्होंने नए नए केस लिए, कैसे एक लकड़ी वाला था उसका केस जिताया, एक मर्डर हो जाता है तो उसमें भी उन्होंने सबूत इकट्ठे किए, उसको जिता दिया। व्यापारियों, जमींदारों से जुड़ा केस था, उसको भी कैसे उन्होंने जिताया। और एक से एक बातें आपको इस बुक में देखने को मिलेंगी। और दोस्तों, यदि आप इस बुक को पढ़ते हैं तो आपको ऑल द बेस्ट, और यदि आप नहीं भी पढ़ते हैं तो मैंने 70-80% बातें आपको बता दी हैं। अभी आपको याद रहता है या नहीं, आप कुछ सीखते हैं इससे या नहीं सीखते हैं, ये अब आपके ऊपर है। दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बी हेल्दी, बी पॉजिटिव। धन्यवाद।